गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर 8, एक्सरसाइज 8.1। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चन इसके कर लिए थे। आई थिंक 1-4 तक क्वेश्चन कर लिया था। अब आज आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनके जो क्वेश्चन हैं वो आपको पूरा प्रॉपर्टी याद रखनी पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं, बट उनको आराम से कर सकते हैं अगर आपको प्रॉपर्टी याद है, दिमाग में रखेंगे। लेकिन सारे फिगर्स में What is given and what you have to prove, इन सिर्फ दो बातों को ध्यान रखना है तो सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल, देन इट इज अ स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन को पहले हमें एनालाइज करना है अच्छी तरह से। यहाँ तक हम देख रहे हैं कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये तो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसे हमें देखिए क्या चीज़ें मिल जाती है। डायगोनल्स इक्वल है इस फिगर में एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये सब एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है और इसके अलावा ये दिया गया कि अगर दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और वो भी राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, इट मीन्स यहाँ जितने एंगल होंगे ये 90 डिग्री के होंगे। तो देखिए, इतनी इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब हमें इसको क्या प्रूव करना था, एक तो इट इज़ अ स्क्वायर। देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल है, पहले तो हमें चारों साइड को इक्वल प्रूव करना होगा। चारों साइड इक्वल प्रूव करने के लिए आपको देख रहे हैं सफिशियंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसके लिए हमने एक टेक्निक पहले भी आपको बताया हुआ था। चलिए इनके नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी, और ये बीच में पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये दो ट्राइंगल लेते हैं तो यहाँ पे देखिए डी ओ इक्वल टू बी ओ, ये इक्वल है, एंड ए ओ इक्वल टू सी ओ, ये इक्वल है, एंड ये जो बीच में एंगल दिया हुआ है ये कितना है, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल है। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाता है और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ जाता है ए डी इक्वल टू बी सी, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया। अगेन इस बार हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे और ये क्रॉस वाला ट्राइंगल लेंगे, इनको भी कन्वर्ट करेंगे तो आपको दूसरा स्टेटमेंट मिल जाएगा। इसमें भी देखिए वही सेम इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये भी कन्वर्ट होने के बाद दूसरा जो स्टेटमेंट मिलेगा वो आपका होगा ए बी इक्वल टू सी डी, ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट। अब देखिए, इसमें हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन आया था और आपको इसका एक टेक्निक भी बताया था कि इसके बाद हमें क्या करना होता है, दो एडसेंट ट्राइंगल को भी लेना होता है। तो वो दो एडसेंट ट्राइंगल कौन से होंगे, एक तो हमने ये लाइनिंग वाला ट्राइंगल ले लिया और दूसरा ये डॉटेड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। देखिए, इन दोनों ट्राइंगल्स में डी ओ और बी ओ ऑलरेडी गिवन है, इक्वल है, एंड ए ओ कॉमन है दोनों में, और ये देखिए एंगल 90 दे रखे हैं दोनों, देयर फोर ये ट्राइंगल दोनों एडसेंट भी कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मीन्स एक जो थर्ड स्टेटमेंट हमें यहाँ से मिल जाता है वो हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है, इससे जो थर्ड स्टेटमेंट मिलता है वो है ए बी इक्वल टू डी ए, ए डी या डी ए कुछ भी लिख सकते हैं, 3। अब देखिए, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे फ्रॉम स्टेटमेंट, इसके बाद क्या है, देखिए ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, लेकिन अभी हमने प्रूव कर दिया कि दोनों पास पास वाली भी साइड इक्वल है। इट मीन्स ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, तो आप लिखने का तरीका ये होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 1, 2, 3 से आपकी चारों साइड इक्वल होगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू ए डी, ये चारों साइड इक्वल हो गई। तो अभी देखिए ये प्रूव हुआ है कि ये इसकी क्वाड्रिलेटरल जो दिया था इसके चारों साइड भी इक्वल है। अब देखिए, स्क्वायर प्रूव करने के लिए अगर आप ये प्रूव कर देते हैं, ये दो एंगल समय क्या 90 और 90 प्रूव करने होंगे, तो ये प्रूव करने के लिए अगर ये प्रूव हो जाता है कि इसके एंगल 90 डिग्री है, तभी आपका 100% प्रूव जाएगा कि इट इज़ अ स्क्वायर। तो देखिए, जब इन एंगल्स को प्रूव करना होता है तो हम कौन से ट्राइंगल लेंगे, एक तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी,
एंड इन ट्राइंगल ए बी सी ये वाला ट्राइंगल लेंगे। तो देखिए इसमें अभी हमने प्रूव किया जस्ट ए डी इक्वल टू बी सी, एक इन्फॉर्मेशन ए डी इक्वल टू बी सी, ये एक इन्फॉर्मेशन हो जाती है। ए बी इक्वल टू ए बी यहाँ पे कॉमन है। इसके अलावा डायगोनल्स आर इक्वल इट इज़ गिवन, सो ए सी इक्वल टू बी डी ये आपका गिवन था। तो देखिए यहाँ तीनों इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब ये दोनों ट्राइंगल एस 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 से कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका मतलब सी पी सी डी से एंगल ए और बी ये इक्वल होगा। बट अभी ये 90 होगा ये प्रूव करना बाकी है। तो देखिए 90 प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको इसको भी एक्स एंगल एक्स मान लिया और इसको भी एक्स मान लिया क्योंकि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। देखिए यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ये प्रूव हो जाता है और इसको हम मान लेते हैं एक्स डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि ये रोम्बस प्रूव हो चुका है। इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे और चारों साइड भी इक्वल है, इट मीन्स इट इज़ अ रोम्बस। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना कि स्क्वायर है, इट मीन्स इसके एंगल्स को 90 प्रूव कर देते हैं। तो ये आ गया, तो यहाँ पे x प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, देन 2x इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम इसको रिजल्ट दे सकते हैं कि नाउ इट इज अ स्क्वायर, अब ये एक स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। देखिए हमें लगता है कि ये सारे क्वेश्चन आपको अपने आप प्रूव करने चाहिए, यहाँ पे जो सॉल्यूशंस दिया है उसको नहीं, आपको जैसे समझाया है बिल्कुल उसी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। देखिए इट इज़ अ पैरेललोग्राम ये गिवन है और एंगल ए बाइसेक्ट होता है, सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो एंड ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो देखिए इसका एक और सबसे बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, इट इज़ ऑलरेडी गिवन दैट ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड यू हैव टू सो दैट एंगल सी इज ऑल्सो बाइसेक्टेड। तो देखिए यहाँ पे इसको एंगल 1 लिख सकते हैं, इसको एंगल 2 लिख सकते हैं, इसको एंगल 3 लिख सकते हैं और इसको एंगल 4 लिख सकते हैं। सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये आपका गिवन है इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देयरफोर आपका क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। और क्या रीज़न क्या है, अल्टरनेट। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ये भी अल्टरनेट एंगल है और ये इक्वेशन हो गया आपका, ये था 2 नंबर और ये था 3 नंबर। फ्रॉम स्टेटमेंट 1, 2, 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 देखिए बहुत सिंपल सा हो गया है क्वेश्चन। 1 किसके इक्वल है, 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल है और 1 4 के भी इक्वल है और 2 3 के भी इक्वल है। तो ये देखिए आपस में तीनों स्टेटमेंट इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, इट मींस ये सारे एंगल एंगल 3 और 4 भी इक्वल प्रूव हो जाता है। देयरफोर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये हमें यहाँ से रिजल्ट मिल जाता है। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा था। अब हमें दूसरा ये भी प्रूव करना है कि इट इज़ अ रोम्बस, यहाँ पे ये रोम्बस भी है। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था और 2 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है कि एंगल 1 और 3 भी इक्वल है दोनों, ये एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स इसकी जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होगी। तो ये देखिए पैरेललोग्राम पहले से था, अब इसकी अगर किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड भी इक्वल होती है इट मींस इट इज़ अ रोम्बस। तो बस इतना सा स्टेटमेंट आपको देना है इस क्वेश्चन में, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सारे आप अपने आप करिए, हम सिर्फ फिगर को समझाते जा रहे हैं। आप अगर क्वेश्चन एक बार भी अपने आप कर लोगे ना तो फिर वो हमेशा के लिए आ जाएगा। बाकी आप क्वेश्चंस में व्हाट इज़ गिवन, गिवन टू प्रूव, प्रूफ ये सब लिखते जाना। तो देखिए यहाँ पे वही स्टेटमेंट लिए गए हैं लेकिन हमने क्या वहाँ पे इनकी जगह 1, 2, 3 ऐसे नंबर्स लिख दिया था,
इसलिए वो समझना थोड़ा सा आसान हो गया था। देखिए अब इसका सेकंड पार्ट जो था ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए देखिए आपके 1, 2, 3, 4 ये भी आपका प्रूव हो गया था। तो देखिए एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल था, इट वाज गिवन, ये पहले से गिवन था। और उसके बाद आपने प्रूव कर लिया कि एंगल एंड एंगल 2 इक्वल टू 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए 1, 1, 2 के इक्वल है और 2, 3 के इक्वल है, इट मीन्स 1 और 3 भी दोनों इक्वल हो जाते हैं। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम इन ट्राइंगल ए डी सी ये ले लेंगे। ए डी सी में क्या है, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव्ड, आप इसको प्रूव कर चुके हैं, देयरफॉर इनकी अपोजिट साइड ए डी इक्वल टू डी सी ये भी इक्वल हो जाएगी। तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, अब देखिए पैरेललोग्राम पहले से दिया था, एडसेंट साइड भी इक्वल हो जाती है, तो किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एडसेंट साइड इक्वल है देन इट विल बी अ रोम्बस। दिस इज क्वेश्चन 7, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सो दैट डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी एंड डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो देखिए दोनों बातें हमें शो करनी है, दिया क्या है, सिर्फ ए बी सी डी इज अ रोम्बस, हमारे जो हाथ में इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ इतना है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि जो डायगोनल्स है इसके ए सी एंगल ए और सी दोनों को बाइसेक्ट करता है और बी डी एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को, ए बी सी डी, ए सी एक डायगोनल है और बी डी भी एक डायगोनल है और ये देखिए रोम्बस गिवन था। पहले प्रूव करना है कि एंगल ए और सी बाइसेक्ट होता है डायगोनल ए सी से इन ट्राइंगल ए डी सी, सिंस यहाँ पे क्या है देखिए ए डी इक्वल टू डी सी, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, ये रोम्बस है, साइड ऑफ रोम्बस। आप रीज़न क्या देंगे इसका, रीज़न आप देंगे साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस इक्वल होती है, तो ये आपने रीज़न दे दिया यहाँ पे ए डी इक्वल टू सी डी। अब देखिए अगर ए डी और सी डी इक्वल है आपका तो इट मीन्स इनके जो अपोजिट एंगल है एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, आप हर एक में रीज़न देंगे इक्वल साइड, ये आपका रीज़न हो जाता है। तो इनको हम देखिए इक्वेशन नंबर भी डालते जाते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 1, एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। सिमिलरली इन ट्राइंगल आपका जो ए बी सी है इसमें देख लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी यहाँ पे भी सिंस ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर इनके जो एंगल्स हैं इनको हम मान लेते हैं 3 और ये हो गया 4, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, रीज़न वही है अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, वही सेम रीजन हो जाता है इसका, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ये इक्वेशन नंबर हो गया हमारा 2। अब देखिए 1 और 3 इक्वल होगा, 2 और 4 इक्वल होगा, इसके लिए सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू एंगल आपका 4 भी है, देखिए 1, 3 तो 1 और 4 भी इक्वल है, अभी हमने क्या प्रूव किया 1 और 2 इक्वल था, नीचे वाले ट्राइंगल में एंगल 3 और 4 इक्वल था। अब अगर ये देखिए अल्टरनेट एंगल भी है, एंगल 1 और 4 के भी इक्वल है, इट मीन्स ये स्टेटमेंट हो जाता है हमारा 3, जो एंगल 1 इक्वल टू 4 ये स्टेटमेंट हो गया 3। अब आप फ्रॉम स्टेटमेंट 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 कहेंगे फ्रॉम
इक्वेशन 1, 2, 3 आपका एंगल 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और एंगल 2 इक्वल टू 4 आ जाता है। तो इट मींस एसी बाइसेक्ट। अब हम रिजल्ट लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ पे क्या रिजल्ट लिख देंगे, एसी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल सी। देखिए उन दोनों एंगल बी और डी बाइसेक्ट होते हैं, इनके लिए भी बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये आप अपने आप इसको करना क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिए हैं ना, इनसे क्वेश्चन को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको बहुत इजी ढंग से बता रहे हैं, फिगर में आपको समझाए दे रहे हैं और छोटे छोटे स्टेटमेंट एंगल 1, 2 नंबर्स में लिख के और इसको प्रूव कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड पार्ट के लिए फिर से एक फिगर बनाना आप, और इस बार डायगोनल बी डी को मिलाओगे, ए बी सी डी, इस बार क्या है डायगोनल बी डी को ज्वाइन करना। अभी हमें ये प्रूव करना है सेकेंड पार्ट में कि जो डायगोनल बी डी है वो एंगल बी और डी दोनों को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए सिंपल सा है ये, क्योंकि सिंस ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, तो पहले आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, हमने ले लिया बी डी सी। यहाँ पे सिंस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, देयरफॉर इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं दे विल बी इक्वल टू इच अदर। इनके नाम को भी आप उसी ढंग से लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इन द सेम वे ये जो 3 और 4 भी इक्वल हो जाता है, बट देखिए 1 और 2 का एक रिलेशन और है, 1, 2 इक्वल प्रूव कर लिया आपने, 3, 4 भी इक्वल प्रूव कर लिया। अब देखिए 3 और 2 भी इक्वल है और ये 1 और 4 भी, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल भी है ना, इसमें एक और रिलेशन है, 3 और 2 में क्या रिलेशन है अल्टरनेट एंगल, 1, 4 में अल्टरनेट एंगल, और ये पहले से इक्वल थे इसलिए ये प्रूव हो जाता है। या फिर देखिए इसके अलावा एक तरह से और आप प्रूव कर सकते हैं इसको, ये हमारा ए बी सी डी, एक तीसरा तरीका आपको बता रहे हैं, इसमें हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए इन दो ट्राइंगल को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंस दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड ऑफ रोम्बस या ऑल द फोर साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल होती है, इसलिए दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड एंड बी डी इज अ कॉमन, तो ये कॉमन हो गया। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा सी पी सी टी से, ये एंगल और ये एंगल भी सी पी सी टी से एंगल होगा। तो आप इन दोनों ट्राइंगल को कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई ज्योमेट्री में एक तरीका नहीं होता है जो आपके दिमाग में आ जाए और आसान लगे, बट लेकिन करना सभी क्वेश्चंस को आप अपने स्टेटमेंट अपने आप लिखिए। देखिए यहाँ पे जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं इनको आप पढ़ के उलझ जाएंगे, इसलिए सिंपल तरीका ये है कि आप फिगर को उससे समझ लीजिए, फिर इसके बाद आप क्वेश्चन को अपने आप करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी सो दैट ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। पहला तो इसको स्क्वायर प्रूव करना है और दूसरा डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो देखिए सेकेंड पार्ट आपने ऐसे इस तरह का ये भी दो क्वेश्चन किए हुए हैं, इसको आप कर लेंगे। ए बी सी डी को एक स्क्वायर प्रूव करना है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल था और एंगल ए और सी दोनों बाइसेक्ट होते हैं। तो देखिए इट मीन्स एंगल 1 और 2 इक्वल है, यहाँ पे 3 और 4 इक्वल है और इट इज़ अ स्क्वायर। अब देखिए ये बाइसेक्ट हो रहा है तो सिंपल सा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन है, ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इट इज़ आल्सो गिवन, एंड अब आप यहाँ देख रहे हैं एक अल्टरनेट वाला भी रिलेशन मिल रहा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए फ्रॉम ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था और ये 3 था, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 इन तीनों इक्वेशन से ये प्रूव हो जाता है कि ऑल द एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, 1, 3, 4, 2 ये सारे के सारे इक्वल हैं। इट मीन्स देखिए अब यहाँ पे प्रूव हो गया, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 ये चारों एंगल अभी हमने इक्वल प्रूव कर दिया इसको। अभी हमारा यही प्रूव हो जाता है कि एंगल 1 इक्वल टू, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर देखिए जब किसी ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, इस ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। इट मीन्स ए डी इक्वल टू डी सी, ये क्या है अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल्स, रीजन ऑफ लिख लेंगे इसको। अब देखिए ये साइड इक्वल है तो ये क्या प्रूव हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर।
एक रेक्टेंगल था और आपको स्क्वायर प्रूव करना था, तो आपने ये स्क्वायर प्रूव कर दिया, क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल होती है। अब अगर हमने उसमें प्रूव कर दिया कि नहीं एडजेसेंट साइड भी इक्वल है, इट मींस इट इज 100% अ स्क्वायर। आज इसमें इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक करते हैं, क्योंकि ये सारे थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन हैं, इनको समझ के करना ज़रूरी है। एक बार आप रिदम में आ जाएंगे फिर आपकी स्पीड, आप भी अपनी स्पीड को पकड़ लेंगे और हम भी स्पीड से करवा सकते हैं। तो चलिए आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।